आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। जानते हैं पहले जेंडर डिवीजन होता क्या है। जेंडर डिवीजन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोलॉजिकली एंड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, यानी कि समाज की नजरियों से। समाज में औरतों को कहा जाता है कि घर का जितना भी काम है सभी आप करेंगी, और मेन को बोला जाता है कि घर के बाहर का जितना काम है सभी आप करेंगे। जेंडर डिवीजन बायोलॉजिकली मैन एंड वुमेन में डिवाइड किया गया। बात करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स की। इसमें समाज में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि महिलाएं कमजोर होती हैं। जानते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। दिस मीन ऑल द वर्क इन द हाउस इज डन बाय द फीमेल मेंबर, यानी कि घर के अंदर का जितना काम है सभी फीमेल्स करेंगी, और इनको ऑर्गेनाइज भी किया जाता है डोमेस्टिक वर्क के, यानी कि नौकर नौकरानी के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। इनमें जितना भी घर का काम है सभी औरतें करेंगी, जैसे कि कुकिंग करना, क्लीनिंग, वॉशिंग करना, टेलरिंग करना और बच्चों की देखभाल। और मेन से यह उम्मीद लगाई जाती है कि इनको सिर्फ घर से बाहर जाकर पैसा कमाना है। वही सेम काम मेन भी करते हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, टेलरिंग, अगर इनको इसका पैसा दिया जाता है तब काम करते हैं। वही अगर वुमेन्स घर में काम करती हैं तो उनको पैसे नहीं दिए जाते। वुमेन को रूरल एरियाज में देखा जाए, यानी कि गांव के इलाकों में, औरतें क्या करती हैं कि घर से बाहर जाकर पानी लाती हैं और कुछ जलाने के लिए लकड़ी भी लाती हैं, यानी कि खाना पकाने के लिए। यही वुमेन अर्बन एरियाज की बात की जाए, यानी कि शहरी इलाकों में, जो गरीब औरतें होती हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती हैं, यानी कि नौकर नौकरानी के रूप में। वही शहरी इलाकों में जो मिडिल क्लास की औरतें हैं वो ऑफिस में काम कर रही हैं। बाकी यह सब होने के बावजूद भी औरतों को काम को नहीं माना जाता। जानते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है। सम मोर रेडिकल मूवमेंट वांटेड इक्वालिटी फॉर वुमेन इन बोथ पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ, यानी कि औरतें समानता चाहती हैं पर्सनली लाइफ एंड पब्लिक लाइफ में भी। सो हम इसी को बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब ये भी जान लेते हैं फेमिनिस्ट क्या होता है। अ मैन और वुमेन हु बिलीव इन इक्वल राइट्स फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यानी कि जो पुरुष और महिला दोनों के लिए समान अधिकारों पर विश्वास करता हो। और कुछ ऐसे भी देश हैं पॉलिटिकली एंड पब्लिक लाइफ जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। ये सब होने के बाद भी जो अपनी इंडियन सोसाइटी है औरतों को अधिकार देने से अभी भी वह पीछे है। फिर भी इंडियन सोसाइटी को एक पैट्रियार्कल देश माना जाता है। पैट्रियार्कल का मतलब पुरुष प्रधान, यानी मेल डोमिनेटेड, मतलब कि जहां पर पुरुषों की चलती हो। नेक्स्ट टॉपिक है विच वोमेन फेस ऑपरेशन, यानी कि औरतें क्या क्या समस्या फेस करती हैं। नंबर ऑफ वोमेन इन हाईली पेड जॉब्स एंड वैल्यूड जॉब इज लेस, यानी कि कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में पैसों को कमाती हैं, लेकिन फिर भी इनकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है। और यह भी देखा गया है कि औरतें एक घंटा ज्यादा काम करती हैं एज अ कंपेयर मैन। लिटरेसी रेट की बात करते हैं मैन एंड वोमेन की। मैन का लिटरेसी रेट है 76%, वही वोमेन का है 54%, लेकिन फिर भी गर्ल परफॉर्म बेटर इन स्टडीज और अदर वर्क। और कुछ ही लड़कियां जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हायर कॉलेज में एडमिशन करा पाती हैं। इसका यह कारण है जो माता पिता उसकी शिक्षा पे पैसे नहीं लुटाना चाहते हैं। जानते हैं द इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976, इसमें एक कानून को बनाया गया जिसमें मैन एंड वोमेन शुड बी पेड इक्वल, यानी कि जितना पैसा आदमी को मिल रहा है उतना ही पैसा औरत को भी मिलना चाहिए। अब बात करते हैं वोमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। देयर इज अ नीड टू हैव मोर वोमेन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वोमेन रिप्रेजेंटेटिव की अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। मोर वोमेन रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट बेटर लॉज कैन बी मेक फॉर वोमेन, यानी कि अगर पार्लियामेंट में अगर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव रहती हैं तो औरतों के लिए एक बहुत अच्छा बड़ा कानून बनाया जा सकता है। स्टेट असेंबली में औरतों को 5% से भी कम हिस्सेदारी है। स्टेट असेंबली का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जहां पर कानून बनाया जाता है। इन सभी समस्या को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए जानते हैं हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। मेक अ लॉ टू प्रोवाइड फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज, यानी कि महिलाओं को इलेक्टेड बॉडीज में उचित भागीदारी प्रदान करना, जिसमें से 1/3 सीट वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के लिए बनाया जाए। इससे फायदा क्या होगा कि अब 10 लाख से भी ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव रूरल एंड अर्बन एरियाज में काम कर पाएंगी। अब जानते हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म का मतलब होता है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ाई करना। समाज को अलग अलग धर्मों में बांटा गया है। इंडिया हैज अ वेरियस रिलीजन, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, कोई कैथोलिक है तो कोई प्रोटेस्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कम्युनलिज्म। प्रॉब्लम स्टार्ट व्हेन रिलीजन सीन एज अ बेसिक ऑफ अ कंट्री, यानी कि समस्या तब स्टार्ट होती है जब धर्म को किसी देश के आधार के रूप में देखा जाता है। और कुछ ऐसे भी लोग जो अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं,
एक धर्म को नहीं फॉलो करते। अगर यह ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब ये सुपरफिशियल है, यानी कि धर्म के नाम पर दिखावटी कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कम्युनलिज्म कैन टेक मेनी फॉर्म्स। रिलीजियस प्रेजुडाइस यानी कि धारणा बनाना। बिलीव इन सुपरफिशियल यानी कि दिखावटी धर्म पर विश्वास करना। अब बात करते हैं सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट क्या होता है? अ सेकुलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट कंसिडर एनी वन रिलीजन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब कि एक कंट्री में उसकी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज ना हो तभी वह सेकुलर स्टेट या कंट्री कहलाएगा। सो इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट क्योंकि इंडिया में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अपने भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं एंड इंग्लैंड का ऑफिशियल रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। अब बात करते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स यानी कि जात को राजनीतिक हिस्सों में बांटना, जैसे कि ब्राह्मींस, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब बात करते हैं कास्ट इनइक्वलिटी की यानी कि जात में असमानता। सेम कास्टेड्स हैव मेजर बेनिफिट्स। उन लोगों का कहने का मतलब है कि एक जात में बहुत सारी बेनिफिट्स होती हैं। पीपल स्टार्टेड मैरिंग इन सेम कास्ट फॉलोइंग स्पेसिफिक रिचुअल्स। सभी लोग स्टार्ट कर देते हैं शादी विवाह एक ही जात में करना। इसको रीति रिवाज भी माना जाता है। और कुछ कास्ट ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलता, जैसे कि शूद्रा। मैं होप दोस्तों कि आपको चैप्टर पूरा समझ आया हो। अगर पूरी तरह समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करिएगा।